अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाती हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पता चल सकें। चलिए शुरू करें। महकमा तालीम सिंध में 6342 गोश्त असातिज़ा की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। डीजी मॉनिटरिंग की समरी में बताया गया कि गोश्त असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। बास ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के बावजूद भी तनख्वाह और मराद के मजे उड़ा रहे हैं। इसी को मजीद बात करेंगे न्याज अली से। जी न्याज, बताएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सिंधभर के तकरीबन 29,000 में 6342 गोश्त असातिज़ा है, जिसमें से बहुत से लोग जो है वो रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग जो है वो बिजली बन गए, कुछ पाकिस्तान में है लेकिन वो तवील अर्से से उन्होंने स्कूलों का जो है वो रुख नहीं किया है। अब इस हवाले से बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग है, उन्होंने एक समरी जो है वो सेक्टर तालीम और वजी तालीम से जो है वो हिसाब कर दी है, जिसमें इन असातिज़ा का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया गया है और कहा गया है कि लोग घर बैठे जो है वो तनख्वाहें ले रहे, लिहाजा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। इन तमाम असातिज़ा की जो आईडीज है वो फौरी तौर पर जो है वो ब्लॉक कर दी गई है और इस साथ यही कहा गया है कि इनको मजीद तनख्वाह जो है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन जो तनख्वाह माजी में उसी या मजीद इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है।